गाजा में युद्ध के बीच यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोही लगातार लाल सागर और अदन की खाड़ी में हमले कर एक नई चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे हैं। हूती ने कहा कि उनकी मिसाइलों ने लाल सागर में एंड्रोमेडा स्टार तेल टैंकर पर हमला किया, क्योंकि वो गाजा युद्ध में इसराइल से लड़ रहे फिलिस्तीनियों के समर्थन में इस इलाके में कमर्शियल जहाजों पर हमले जारी रखे हुए हैं। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने बताया कि जहाज के मालिक ने जहाज के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी है। हूतियों ने एक नहीं बल्कि कई व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया है जो इसराइल और अमेरिका से जुड़े हुए हैं। हूतियों के खिलाफ अमेरिका ने एक गठबंधन बनाया है और अब तक कई हमलों को विफल भी किया है। यही नहीं, अमेरिका ने युद्ध पोत और फाइटर जेट की मदद से यमन में हूतियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। इस बीच ताजा हमले में हूतियों ने अमेरिका के MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। इन दावों की पुष्टि के लिए यमन आर्म्ड फोर्स की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिनमें यमन सशस्त्र बलों को एक अमेरिकी MQ-9 विमान को गिराते हुए दिखाया गया है। हालांकि अभी यह खुलासा नहीं हुआ है कि ड्रोन को मार गिराने के लिए किस प्रकार की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। हूतियों की ओर से अमेरिकी ड्रोन को इस तरह से ही हवा में खाक करने का मतलब साफ नजर आ रहा है। ईरान समर्थक हूती विद्रोही सीधे तौर पर एक शक्तिशाली देश को चुनौती दे रहे हैं। वीडियो में अमेरिकी विमान को सादा के एयर जोन में देखा जा रहा है, इससे पहले कि लक्ष्य पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्च की गई और उसे मार गिराया। यमन आर्म्ड फोर्स ने अमेरिका के MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को इस तरह हमला किया कि वह खाक होकर जमीन पर दिखाई दिया। आपको बता दें कि भारत भी MQ-9 श्रेणी के इस किलर ड्रोन को $4 अरब में 31 संख्या में अमेरिका से खरीद रहा है। अदन की खाड़ी के पास हुई इस घटना के बाद अब अमेरिकी ड्रोन की क्षमता को लेकर सवाल उठने शुरू हुए हैं। लाल सागर में एंड्रोमेडा स्टार तेल टैंकर पर हुए हमले और सादा गवर्नमेंट के हवाई क्षेत्र में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद यमन आर्म्ड फोर्स के प्रवक्ता याया सारी ने अपना बयान जारी किया है। سفينة نفطية بريطانية اندروميدا ستار في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر ونجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية يوم أمس في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 في أجواء محافظة صعدة وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية وقد تم استهدافها بصاروخ مناسب إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها بعون الله تعالى في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني حتى رفع الحصار ووقف العدوان. आपको बताते चले कि अमेरिका के ये ड्रोन सबसे आधुनिक माने जाते हैं और इसे इसकी ताकत के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से भारत भी इन ड्रोन को खरीद रहा है। अब लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जिस अमेरिकी ड्रोन को हूती विद्रोहियों ने मार गिराया है, आखिर उसकी ताकत क्या है। इस ड्रोन की खासियत यही है कि जब तक ये हमला नहीं कर देता तब तक उसके आने जाने की खबर नहीं लगती। अमेरिका इसे हंटर किलर UAV कहता है। MQ-9 प्रीडेटर लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस ड्रोन है जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस होता है। इसमें लगे RNX हेलफायर मिसाइल से जवाहिरी के अड्डे पर हमला किया गया है। MQ-9 प्रीडेटर रिमोट से उड़ाया जाता है। ये किसी भी तरह के मिशन के लिए भेजा जा सकता है, जैसे सर्विलांस, जासूसी, सूचना जमा करना या फिर दुश्मन के ठिकानों पर चुपके से हमला करना। इसकी रेंज 2100 किलोमीटर है। ये अपने साथ 1700 किलो वजन का हथियार उठाकर ले जा सकता है। इसे चलाने के लिए 2 कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जरूरत होती है जो ग्राउंड स्टेशन पर बैठ के वीडियो गेम की तरह से चलाते हैं। इस ड्रोन की लंबाई 36.1 फीट, विंग स्पैन 65.7 फीट, ऊंचाई 12.6 फीट होती है। ड्रोन का खाली वजन 2223 किलोग्राम है। ड्रोन में 1800 किलोग्राम ईंधन की क्षमता होती है। इसकी गति 482 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो 40,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को देखकर उस पर मिसाइल से हमला कर सकता है। अगर हूतियों का MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराने का दावा सही है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अमेरिका का सबसे शक्तिशाली ड्रोन है।
इसे इसराइल हमास युद्ध के दौरान अमेरिका लाल सागर के अंदर इस्तेमाल कर रहा है।